दोस्तों, लॉकडाउन ओपन होने के बाद मैंने अपने कई डॉक्टर्स फ्रेंड से बात करी तो उन्होंने सबने ये एक ही बात कही कि डेंटल क्लिनिक ओपन होने के बाद पेशेंट आना भी शुरू नहीं हुए। तो मैंने एनालिसिस किया और उसका सॉल्यूशन निकाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको उसका रीजन और उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो उस रीजन को मैं आप एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। बेसिकली मेरी सोसाइटी में दो शॉप्स हैं। एक बार पहली शॉप पे मैं ब्रेड लेने गया छोटी वाली, तो उसने मना कर दिया। मैं पड़ोस वाली शॉप पे गया, उसके यहाँ मिल गई। दूसरी बार गया, उसके बाद फिर मैंने छोटी वाली ब्रेड मांगी, उसने फिर मना कर दिया। मैं फिर दूसरी शॉप पे गया तो उसने वहां से मैंने ब्रेड परचेस कर ली। तीसरी बार मुझे जब फिर ब्रेड की जरूरत पड़ी तो फिर मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि शायद उसकी क्लिनिक वो सॉरी शायद उसकी दुकान पे छोटी ब्रेड नहीं होगी। फिर मैंने उसके बाद जो पड़ोस वाली शॉप पे गया डायरेक्ट वहां पे जाके ब्रेड ले ली। तो सेम चीज आपके साथ भी हो रही है कि हो सकता है कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन जब पेशेंट को आपकी जरूरत हो तो वो आपके क्लिनिक पे भी आया हो, तो उसने देखा कि डेंटल क्लिनिक बंद है, दोबारा जरूरत पड़ी फिर गया हुआ, हो सकता है उसे फिर आपकी शॉप क्लिनिक बंद मिला हो। तो दोबारा अब उसके माइंड में अगर जरूरत पड़ रही होगी तो उसके माइंड में यही आ रहा होगा कि शायद डेंटल क्लिनिक बंद होगा। तो इस मेन रीजन ये है कि पेशेंट के माइंड में साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ रहा है कि शायद अभी डेंटल क्लिनिक बंद चल रहे होंगे। अब आपको क्या करना है कि आपके जो भी पेशेंट हैं जिन्हें पहले से प्रॉब्लम चल रही थी और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो अब आपको अपने अटेंडेंट को उनका डेटा देना है, उनसे SMS एंड कॉलिंग करवानी है। ये आपको एक्सरसाइज जब तक आपके नॉर्मल OPD नहीं हो जाती है तब तक अपने अटेंडेंट से वीक में एक बार कॉल और एक बार मैसेज अपने हर पेशेंट को अपलोड करवाने हैं, ताकि पेशेंट को पता चल सके कि आपका डेंटल क्लिनिक ओपन हो चुका है, आपकी क्लिनिक रनिंग हो रही है। तो दोस्तों यही प्रॉब्लम था और यही इसका सॉल्यूशन था। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।